बिजनौर पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब तीन शातिर लुटेरों को बिजनौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दो दिन पूर्व ताजपुर के जंगलों में हुई हत्या व लूट की घटना को अंजाम देकर लुटेरे फरार हुए थे। बिजनौर पुलिस ने चेकिंग के दौरान गाड़ी को रोका तो आरोपियों ने गाड़ी भगा ली और भागते हुए पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान लुटेरों ने बताया कि दो दिन पूर्व ताजपुर के जंगलों से एक युवक की हत्या कर कार लूटकर फरार हुए थे और कार बेचने के लिए तीनों लुटेरे मुरादाबाद आए थे, जहां कार की अच्छी कीमत न मिलने पर मुरादाबाद से बिजनौर होते हुए मेरठ जा रहे थे कि अचानक पुलिस चेकिंग देख बौखला गए और पुलिस पर फायरिंग कर दी। बिजनौर पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें पकड़ लिया। ये परसों सुबह एक सूचना मिली कि एक ड्राइवर है फिरोज पुत्र हामिद अली, जो कि ठाकुरदरा जनपद मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इनकी तीन अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर के हत्या कर दी है। इनकी गाड़ी को वहां से किराए पर लिया गया था और उसके बाद यहां पर ताजपुर के जंगलों में नूरपुर में ला करके और यहां पर इनकी हत्या कर दी गई थी। इसमें इंस्पेक्टर साहब और सर्विलांस और एसओजी की टीम को जब लगाया गया, स्वाट की टीम को, साथ में नांगल और जो हमारे शिवाला कला और मंडावर की टीम थी इनको लगाया गया, तो इसमें पता चला कि इसमें तीन आदमी इसमें शामिल थे। रवि पुत्र जबर सिंह, ये जसपुर उत्तराखंड के हैं। विक्की, ये ठाकुरदरा मुरादाबाद के हैं। और तीसरे अजय पुत्र नरेश कुमार, ये गंगा नहर मेरठ के रहने वाले हैं। तो इन तीनों ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी डिटेल्स वगैरह निकाली गई तो उसके आधार पर लोग गिरफ्तार हुए। लूट का माल जिसमें मारुति इको थी वो बरामद हो गई। एक तमंचा बरामद हुआ है, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और एक चाकू भी बरामद हुआ है। इसमें ये पता चला कि 1500 रुपये में इन्होंने कार बुक की थी और उसके बाद गाड़ी से जब यहाँ पे ताजपुर में पहुँचे तो उन्होंने चालक से अलग हटने के लिए कहा गाड़ी से। जब उसने मना किया तो उस पर गोली चला दी और दो व्यक्तियों ने टोटल गोली चलाई थी। और इसके बाद तीसरे व्यक्ति अजय के पास ये लेकर के मेरठ गए और वहाँ पर गाड़ी बेचने की प्रोसेस की स्टार्ट की। इसमें हमारी टीम ने अच्छी मेहनत करके इन दोनों को समयबद्ध तरीके से गिरफ्तार किया है, माल बरामद किया है। इसके लिए मैं टीम को 5000 रुपये इनाम की घोषणा करूँगा।